जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का, सभी वैष्णवों का इस अंतर शक्ति कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। आप हम सभी ने सुना कैसे श्री हनुमान जी लंका में जाके माता जानकी की खोज करते हैं और अब श्री रामचंद्र सेतु बनाने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठे हो गए। आज भगवान राम ने पत्थरों के द्वारा इस समुद्र पर सेतु बनाया। एक पत्थर कभी तैर नहीं पाता, एक वानर कभी एकाग्र नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी श्री रघुवीर कृपाते सिंधु तरे पाषाण, ये सब संभव हो पाया केवल और केवल राम जी की कृपा से। इस सेतु में किसने अपना सहयोग नहीं किया, यहाँ तक कि एक छोटी सी गिलहरी जो बार बार उस बालू में, उस रेती में लेटती है और फिर समुद्र में चली जाती है, फिर लेटती है और फिर समुद्र में चली जाती है। किसी ने पूछा, रे गिलहरी, तेरे इतने से छोटे से काम करने से क्या इतना बड़ा सेतु पूरा हो सकता है? गिलहरी ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ मेरा ये छोटा सा काम इतने बड़े समुद्र को बना नहीं सकता, लेकिन जब भी राम सेतु का नाम लिया जाएगा तो मुझे यकीन है कि इसमें एक गिलहरी का भी सहयोग था, ये नाम अवश्य लिया जाएगा। इसलिए वो छोटी सी गिलहरी भी इस राम सेतु में अपना सहयोग करती है। एक और कथा यहाँ आती है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। राम जी के मन में विचार आया कि सेतु बन रहा है, इस सेतु में सब लोग अपना सहयोग दे रहे हैं और तो और एक छोटी सी गिलहरी भी अपने जीवन का अंश इसमें प्रदान कर रही है। कल को कोई मुझसे पूछेगा कि राम जी आपने सेतु में क्या सहयोग किया, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो राम जी ने सोचा, चलिए एक पत्थर मैं भी अपने हाथ से डाल देता हूँ, कम से कम मैं कह पाऊंगा कि एक पत्थर मेरे हाथ का भी इस सेतु में लगा है। श्री राम जी ने भी एक पत्थर लिया और वो पत्थर लेकर के समुद्र के किनारे आए और उस पत्थर को समुद्र में डाल दिया। लेकिन हुआ क्या? आश्चर्य की बात है कि राम जी ने पत्थर डाला और पत्थर पानी में डूब गया। राम जी को ये देखकर के बड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ी सी बेइज्जती भी अनुभव हुई कि वानर पत्थर पर राम लेकर के डाल रहे हैं और पत्थर तैर रहा है और मैंने पत्थर डाला तो पत्थर डूब गया। पर फिर राम जी ने सोचा कि चलो कम से कम किसी ने देखा तो नहीं, कोई किसी को कहेगा तो नहीं, एक बार और देख लूँ, कोई देख तो नहीं रहा। राम जी ने दाई तरफ देखा, बाई तरफ देखा, कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही राम जी पीछे मुड़े तो राम भक्त हनुमान वहाँ बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे। राम जी ने थोड़ा डरते हुए संकोच में पूछा कि हनुमान, क्या तूने कुछ देखा? तू यहाँ कब से आया है? हनुमान जी ने हंसते हुए कहा कि जब से पत्थर डूबा है तब से यहीं बैठा हूँ। राम जी को एहसास हुआ कि इसने देख लिया, अब ये लोगों को जाके बताएगा। राम जी ने कहा, हनुमान देख, ये बात किसी को बताना नहीं वरना मेरा अपमान होगा। श्री हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए राम जी से कहा कि इसमें अपमान की कोई बात नहीं है, ये तो होना ही था। अरे, जिसको मेरे प्रभु राम त्याग दें उसको तो डूबना ही पड़ेगा, आपने छोड़ा तो ये पत्थर डूब गया। श्री राम जी को लगा कोई तो है मुझे समझने वाला। लेकिन इसी दौरान भगवान श्री राम ने अपने नाम की महिमा का गुणगान करने के लिए हनुमान के मन में एक और प्रेरणा दी। श्री हनुमान जी ने उसी पत्थर पर दोबारा राम लिखा और राम लिख करके उसको जल में छोड़ा, समुद्र में डाला और वो पत्थर अब की बार तैरने लगा। इसका अर्थ है कि राम में जो शक्ति है उतनी ही और उससे कहीं ज़्यादा शक्ति राम के नाम में है। श्री रामचंद्र प्रभु ने यहाँ रामेश्वरम भगवान की भी स्थापना की, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के समुद्र पर सेतु बनकर तैयार हो गया और श्री रामचंद्र अपने समस्त सैनिकों, वानरों और योद्धाओं के साथ मिलकर के लंका पर चढ़ाई करते हैं।
उस लंका में आज जिस लंकेश ने इस जगत की जननी माता जानकी को कैद करके रखा है, आज उस लंका में जाकर भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। श्री रामचंद्र प्रभु ने एक एक करके, उनके सभी वानरों ने मिलकर के, जितने भी दैत्य थे सबका धीरे धीरे प्रभु उद्धार करने लगे। इसी उद्धार की श्रृंखला में रावण का भाई कुंभकर्ण, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे कोई भी व्यवधान ना करे और मैं लगातार बस 6 महीने तक सोता ही रहूं, भगवान श्री राम ने जाकर के उस कुंभकर्ण का भी उद्धार किया। धीरे धीरे बारी आई मेघनाथ की। भगवान ने विचार कर लिया कि अब की बार आया हूँ अवतार ग्रहण करके तो एक भी दैत्य को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उद्धार करके ही वापस जाऊंगा। मेघनाथ के द्वारा एक बाण जाकर के श्री लक्ष्मण जी को लगता है और उन लक्ष्मण जी की रक्षार्थ श्री हनुमंत लाल संजीवनी बूटी प्राप्त करने के लिए खोज में निकल पड़ते हैं। लेकिन हनुमान तो हनुमान है, राम की सेवा में सदैव तत्पर। समझ नहीं आया कि यहाँ कौन सी बूटी संजीवनी है तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए और कहा कि प्रभु जो आपको अच्छा लगे उससे लक्ष्मण जी की औषधि बना करके उनका इलाज कर दीजिए। ऐसे श्री हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। रावण के मृत्यु का समय भी नजदीक आया, लेकिन रावण का स्वयं का भाई विभीषण तो सत्य के साथ खड़ा है, धर्म के साथ खड़ा है। वो जानता है कि रावण मेरा भाई है, लेकिन वो अधर्म और अन्याय कर रहा है, इसलिए विभीषण ने कभी रावण का साथ नहीं दिया। और इस पूरी भगवान श्री राम की सेना में अकेला विभीषण ही है जो जानता है कि रावण को कैसे मारा जा सकता है। जब रावण की मृत्यु नजदीक आई, भगवान श्री रामचंद्र ने बाण चलाए। हर बार इस दशानन का सर प्रभु काटते गए और हर बार एक नया मुख प्रकट होता गया। जितनी बार भी राम जी ने इसको मारने का प्रयास किया, हर बार राम जी विफल हो गए। लेकिन फिर भी एक चीज जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि राम जी धर्म रथ पर सवार थे, और जो व्यक्ति धर्म रथ पर सवार हो उसकी हार हो जाए ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए श्री राम जी को अंत में विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, इस दैत्य को मारना है तो एक ही उपाय है, आप इसकी नाभि पर प्रहार करिए। श्री रामचंद्र भगवान नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए ऐसा दिखाया मानो अनजान है, अज्ञान है। विभीषण ने आज दिखा दिया कि मैं राम जी के प्रति समर्पित हूँ, अब रावण का अंत निश्चित है और अब रावण को मरने से कोई नहीं बचा सकता। जगत नियंता, जगदाधार, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष बाण निकाला और ये अंतिम बाण जाकर के रावण की नाभि में लगा। और जिस कार्य के लिए, जिस रावण के उद्धार के लिए श्री रामचंद्र ने इस धरा पर अवतार लिया, आज उस आताताई का प्रभु ने उद्धार कर दिया। और फिर श्री रामचंद्र माता जानकी को अशोक वाटिका के बंधन से छुड़ा करके वापस अयोध्या की ओर ले जाने लगे। अब आगे बड़े ही सुंदर उत्सव आने वाले हैं, जिसमें दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज आदि आदि कई सारे उत्सव पूरा देश मिलकर के मनाएगा। इन सब उत्सवों का लाभ क्या है और क्यों इन उत्सवों को मनाया जाता है, इन सब का महत्व और इनकी पौराणिक कथाएं क्या हैं, वो भी आप हम सब इन कथाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। आशा है ये राम कथा आपके जीवन में अवश्य कुछ परिवर्तन लाएगी और आपका जीवन और भी आनंदमय होगा। इसी आशा के साथ आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम।